एक पुरातन कथा के अनुसार एक दिन भगवान गणेश अपने वाहन मूसक के साथ कैलाश का भ्रमण कर रहे थे। तभी अचानक उन्हें चंद्रदेव के हंसने की आवाज़ आई। भगवान गणेश को उनके हंसने का कारण समझ में नहीं आया, इसीलिए उन्होंने चंद्रदेव से इसका कारण पूछा। चंद्रदेव ने कहा कि भगवान गणेश का विचित्र रूप देखकर उन्हें हंसी आ रही है, साथ ही उन्होंने अपने रूप की प्रशंसा करनी शुरू कर दी। मजाक उड़ाने की इस प्रवृत्ति को देखकर गणेश जी को काफ़ी गुस्सा आया। उन्होंने चंद्रदेव को श्राप दिया और कहा कि जिस रूप का उन्हें इतना अभिमान है वह रूप आज से कुरूप हो जाएगा। कोई भी व्यक्ति जो चंद्रदेव को इस दिन देखेगा उसे झूठा कलंक लगेगा। भले ही व्यक्ति का कोई अपराध ना भी हो, परंतु यदि वह इस दिन चंद्रदेव को देख लेगा तो वह अपराधी ही कहलाएगा। यह बात सुनते ही चंद्रदेव का अभिमान खत्म हो गया और वह भगवान गणेश के सामने क्षमा मांगने लगे। भगवान गणेश को खुश करने के लिए भाद्रपद की चतुर्थी को गणेश जी की पूजा की तथा उनके लिए व्रत रखा। भगवान गणेश जी के लिए चंद्रदेव को पश्चाताप करते हुए देखकर भगवान गणेश ने चंद्रदेव को माफ़ कर दिया और कहा कि वह अपने बात को वापस तो नहीं ले सकते, परंतु वह इसका असर कम कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि यदि चंद्रदेव के झूठे आरोप से किसी व्यक्ति को बचना है तो उसे गणेश चतुर्थी की शाम को चंद्रमा की पूजा भी करनी है, इस तरह से वह कलंक से बच जाएगा। इस तरह करने से व्यक्ति के जीवन पर लगने वाला कलंक निष्कलंक हो जाएगा। उसी समय से गणेश चतुर्थी के दिन चौरचन भी मनाया जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, सनातन रहस्य को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। राधे राधे।